नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। आज फिर एक बार मैं आपके लिए मूवी रिव्यू लेकर आई हूँ। आज की फिल्म है कागज। इसे आपके लिए हमारे साथी मुबारक ने लिखा है। आइए जानते हैं मुबारक को ये फिल्म कैसी लगी। आगे के तमाम शब्द उनके हैं। पंकज त्रिपाठी, पिछले कुछ सालों में जिनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ करिश्माई रफ्तार से ऊपर की तरफ गया है, इतना कि लोग फिल्म में सिर्फ उनके होने भर से फिल्म देखने का मन बना रहे हैं, और इस फैक्ट को फिल्म इंडस्ट्री खूब भुना भी रही है। उनको सेंटर में रखकर रोल लिखे जा रहे हैं, उनके किरदार को ज्यादा स्पेस दिया जा रहा है। क्या नई फिल्म कागज भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है, और क्या पंकज त्रिपाठी अपने कंधों पर फिल्म ढोने की नई नई बनी रेपुटेशन के साथ न्याय कर पाए हैं, बताते हैं आपको विस्तार से। भारत का लाल जो मृतक है, सीधे कहानी पर चलते हैं। इतना तो सबको ट्रेलर देखकर पता चल ही गया होगा कि कागज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सरकारी कागजों में मर चुका है, सरकारी रजिस्टर में जिसका नाम बतौर मृतक दर्ज है। ये कहानी है भरत लाल बैंड मास्टर की। भोला आदमी, चूहा पकड़ता है तो उसे मारता नहीं, नदी किनारे छोड़ आता है। अपने काम से संतुष्ट है और तरक्की के लिए कुछ और करना जरूरी नहीं समझता। लोग समझाते हैं और पत्नी धमकाती है कि लोन लेकर काम बड़ा करो। दबाव में भरत लाल बैंक से प्रोसीजर पता करता है। पता चलता है कि लोन के लिए सिक्योरिटी चाहिए। खलीलाबाद में चाचा के हवाले खानदानी जमीन है जिसमें उसका भी हिस्सा है। उसके कागज लेने भरत लाल पहुंचता है और यूं राज खुलता है कि चाचा, चाची और उनके बेटे उसे कागजों में मारकर जमीन हड़प चुके हैं। फिर शुरू होती है जमीन वापस पाने की और उससे ज्यादा अपने जीवित होने का स्टेटस पाने की जंग। भरत कैसे इस जंग को लड़ता है, कामयाब होता भी है या नहीं, सिस्टम से इस लड़ाई में क्या क्या खोता है, ये सब जानने के लिए कागज देखिए। द पंकज त्रिपाठी शो। फिल्म मुकम्मल तौर से पंकज त्रिपाठी की है, इस हद तक कि आपको शक होने लगता है। इस बात का शक कि इस कहानी के लिए पंकज त्रिपाठी को नहीं चुना गया, बल्कि पहले पंकज त्रिपाठी को फाइनल कर बाद में सुटेबल कहानी खोजी गई। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये अलग से कहने की जरूरत तो है नहीं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर ले जाते हैं। उनको जो सौंपा गया है वो उन्होंने सहजता से किया है। दिक्कत ये है कि ये सब अब रिपीट लगने लगा है। भारत के किसी भी गांव देहात में पाए जाने वाले मासूमियत की हद तक सीधे आम आदमी का किरदार उन्होंने इतनी बार पोर्ट्रे कर लिया है कि डर लगता है वो इसी खांचे में कैद ना होकर रह जाएं। बिलाशक उनकी एक्टिंग बेहद अच्छी है। वो साधारण डायलॉग भी बोलते हैं तो उसको फनी बना देते हैं। द्वारपाल बनने लायक नहीं थे, लेखपाल बन गए, जैसा क्लीशे वर्ड प्ले उन्हीं के मुंह से सुसहे लगता है। वो जब जब स्क्रीन पर होते हैं आपको अपने से जोड़े रखते हैं, और ज्यादातर समय वही स्क्रीन पर होते हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि फिल्म में उनको नहीं लिया गया है, उनके इर्द गिर्द फिल्म बनी है। कमजोर फिल्में अपने शीयर टैलेंट के दम पर कैरी करने में वो यकीनन सक्षम है, लेकिन इसके बावजूद कागज को एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए कि करिश्माई अभिनेता टाइपकास्ट होकर ना रह जाए। ऐसा हो गया तो ये उनका, उनके फैंस का और हिंदी सिनेमा का तगड़ा नुकसान होगा। पंकज के अलावा जो किरदार थोड़ा इम्प्रेस करता है वो है उनकी पत्नी रुक्मणी का। मोनल गज्जन ने इसको बढ़िया ढंग से निभाया है। इमोशनल दृश्यों में उनकी डायलॉग डिलीवरी सही लगती है। पॉलिटिशियन अशर्फी देवी का किरदार मीता वशिष्ठ ने ग्रेसफुली निभाया। वकील साधुराम केवट के रूप में सतीश कौशिक निराश करते हैं। उनकी रेपुटेशन के हिसाब से संवाद तक नहीं आए हैं उनके हिस्से। रामायण में केवट ने प्रभु रामचंद्र की नौका पार लगाई थी, यहाँ एक्टर और डायरेक्टर दोनों के रूप में सतीश कौशिक ये काम नहीं कर पाए हैं। क्या अच्छा क्या घिसा पिटा। पंकज त्रिपाठी से इतर फिल्म की बात की जाए तो कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ बेहद घिसी पिटी। फिल्म की कहानी 1977 से शुरू होती है। शुरुआती सीन्स में कुछ एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता भी है तो जल्द ही हवा हो जाता है। जैसे विविध भारती की ट्यून या नसबंदी का रेफरेंस आपको चेताते हैं कि आप इमरजेंसी के फौरन बाद का पीरियड देख रहे हैं, लेकिन लोगों के पहनावे और फिल्म का सेट इसके साथ मेल खाते नहीं लगते। फिर संदीपा धर के गैर जरूरी आइटम नंबर के आते आते फिल्म अपनी ग्रिप खोने लगती है। ऊपर से एक आध जगह कालखंड के मामले में गलती भी हुई है, जैसे पंकज त्रिपाठी का साथी बैंड वालों से ये कहना कि बहारो फूल बरसाओ की प्रैक्टिस करो, बिना का संगीत माला में टॉप पर रहा है। 1966 की फिल्म का ये गीत 11 साल बाद बिना का संगीत माला में टॉप पर रहे, ये मुमकिन नहीं। बहरहाल ऐसी छोटी मिस्टेक्स फिल्म की प्रमुख चिंता नहीं है, फिल्म की असल टेंशन है इसका क्लीशे होना।
हम पंकज त्रिपाठी की स्टीरियोटाइपिंग पर चिंतित हो रहे थे। फिल्म कितने ही स्टीरियोटाइप प्राउडली कैरी करती है, जैसे मुस्लिम किरदार है तो जालीदार टोपी और तहमद ही पहने होगा से लेकर सरकारी बाबू की भाषा शैली तक, नेताओं, गांव वालों, रिश्तेदारों की स्टीरियोटाइपिंग। फिल्म का विषय बेहद संवेदनशील है। एक आदमी जो महज अपना जिंदा होना रजिस्टर करवाने के लिए जूझ रहा है, कितनी ही संभावनाएं थी इस किरदार में कि दर्शक की आत्मा तक टीस पहुंचे। इसमें कामयाबी नहीं मिली है मेकर्स को। इक्का दुक्का सीन ही है जहां आप कुछ फील करते हैं, जैसे जब पहली बार भरत को उसके मृतक होने की खबर मिलती है और वो फ्रस्ट्रेशन में घर लौट रहा होता है तो सड़क पर एक अंतिम यात्रा जा रही होती है, या फिर एक सीन में भरत का पत्रकार से आजीजी से कहना, खबर छापिएगा चुटकुला नहीं। ऐसे सीन बेहद कम है, या शायद ये दो ही हैं जहां आप मृतक भरत लाल की पीड़ा महसूस करते हैं। बाकी सब सतही फन के चक्कर में गड़बड़ा गया है। व्यंग और कॉमेडी में महीन अंतर होता है। कागज व्यंग के फ्रंट पर कमजोर पड़ जाती है, तिलमिला देने वाला व्यंग नदारद है जो सिस्टम की खामियों पर पूरी बेबाकी से वार करे, जो पीपली लाइफ जैसी फिल्मों में सहज ही दिखा था। हम ये नहीं कह रहे कि कागज एक डिजास्टर फिल्म है, लेकिन जिस मजबूत स्टोरी लाइन पर यह फिल्म बनी थी उसे फिल्म मेकिंग के बाकी पक्ष इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। भारतीय लाल फीता शाही के कारनामे कहती कहानी और पंकज त्रिपाठी की अदाकारी के लिए इसे बिलाशक देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कागज ऐसी फिल्म नहीं है कि आपको देखने का अफसोस हो, लेकिन ऐसी भी नहीं है कि मन को कोई शानदार फिल्म देखने की संतुष्टि मिले। जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए रिव्यू किया है हमारे साथी मुबारक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।